पतंजलि ऋषिकुल कक्षा चतुर्थ विषय हिंदी व्याकरण पुनः अभ्यास। डियर चिल्ड्रन, आप क्रिया और विलोम शब्दों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पीरियोडिक असेसमेंट 2 के दोनों ही पाठों अर्थात क्रिया और विलोम शब्दों का पुनः अभ्यास करेंगे। क्रिया। आइए बच्चों, चित्रों के नीचे दिए वाक्य हम मिलकर पढ़ें। बिल्ली दूध पीती है, सरिता सो रही है, बारिश हो रही है। इन वाक्यों में पीती है, सो रही है क्रमशः बिल्ली, सरिता और बारिश के द्वारा किसी कार्य करने या होने के बारे में बता रहे हैं। ये क्रियाएं हैं, यानी कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। वाक्यों में क्रिया शब्दों का रूप कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर बदलता है। आइए देखें कैसे। क्रिया पर लिंग का प्रभाव। लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, बकरा घास खा रहा है, बकरी घास खा रही है। बच्चों, इन वाक्यों में पढ़ रहा है, खा रहा है क्रिया शब्द संज्ञा के पुल्लिंग होने तथा पढ़ रही है और खा रही है क्रिया शब्द संज्ञा के स्त्रीलिंग होने का संकेत दे रहे हैं। क्रिया शब्दों में यह अंतर संज्ञा के लिंग के कारण ही आया है। क्रिया पर वचन का प्रभाव। आइए दिए गए वाक्य पढ़ें। लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं, बकरी घास खा रही है, बकरियां घास खा रही हैं। इन वाक्यों में पढ़ रहा है, खा रही है क्रियाएं संज्ञा के एकवचन होने का संकेत दे रही हैं, जबकि पढ़ रहे हैं और खा रही हैं क्रियाएं संज्ञा के बहुवचन होने का संकेत दे रही हैं। क्रिया शब्दों में यह अंतर संज्ञा के वचन के कारण ही आया है। बच्चों, अब हम क्रिया के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के प्रमुख दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहले हम सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सकर्मक में स का अर्थ है सहित और कर्मक का अर्थ है कर्म के, यानी कि कर्म के साथ। अतः जिस वाक्य में क्रिया का कर्म पाया जाता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। ये वाक्य पढ़िए, बंदर केला खा रहा है, अनुराग तबला बजा रहा है। इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या, किसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म कहलाता है। जैसे बंदर क्या खा रहा है, केला, अनुराग क्या बजा रहा है, तबला। इन वाक्यों में केला तबला कर्म है, इसलिए वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक हैं। अकर्मक क्रिया। अ का मतलब है बिना और क्रमक का अर्थ है कर्म के, यानी कर्म के बिना। अतः जिस वाक्य में क्रिया का कर्म नहीं पाया जाता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। आइए दिए गए वाक्य पढ़ें। बच्चा रो रहा है, जोकर हंस रहा है। इन वाक्यों में क्या, किसे प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिल रहा है। बच्चा क्या रो रहा है, कोई उत्तर नहीं। जोकर क्या हंस रहा है। जो चित्र देखिए और उनके नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। उदय, अस्त, खुशबू, बदबू, शिक्षित, अशिक्षित। यहाँ उदय शब्द अस्त का, खुशबू शब्द बदबू का, शिक्षित शब्द अशिक्षित का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। यानी जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वे विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। आइए अब कुछ और विलोम शब्द जानें। शब्द विलोम, न्याय अन्याय,
धर्म अधर्म, सुरक्षा असुरक्षा, संतोष असंतोष, परिचित अपरिचित, शिक्षित अशिक्षित, आहार अनाहार, निराहार। एक अनेक, एकता अनेकता, इच्छा अनिच्छा, उचित अनुचित, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, आशा निराशा, आदर निरादर, धनी निर्धन, बलवान निर्बल, दोषी निर्दोष,